Hello friends, welcome to Unacademy Rise. This is me, Dr. Sidharth Arora, and we are continuing the summary course of Lakshmikanth for polity. आज का टॉपिक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में कर लिया है विद रिगार्ड्स टू द गवर्नर, वी डन विद रिलेशनशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर. अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा सा पोर्शन है विच आई वुड लाइक टू एड्रेस अलॉन्ग विद द गवर्नर. ओके, तो तुम अपनी बुक्स खोल लो, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज ऑफ द रिगार्ड्स कि हम लोगों ने इसको किसी ना किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर एड्रेस किया होगा. सो दिस इज अबाउट मी, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. माय फ्रेंड्स, दिस इज अनदर स्मॉल अनाउंसमेंट जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट अनअकैडमी इज अबाउट टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्लस कोर्सेस. यस, तुम में से बहुत सारे, पहली बात तो आई एम वेरी हैप्पी डिलाइटेड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो हमने मिला है. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यू हमारे दोस्तों ने हमें प्लस कोर्सेज पर ज्वाइन किया है, और अगर आप में से कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू डू दैट. दो वजह है इसका. एक वजह यह है कि मंथ ऑफ सेप्टेंबर है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वी आर इन द थर्ड वीक ऑफ सेप्टेंबर. ज्यादा समय बचा नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हैं नेक्स्ट ईयर, एंड देन द एग्जाम स्टार्ट्स लुकिंग वो हो इसी साल एग्जाम है. नंबर वन, अगर तुम्हें फैसला करना ही है, यू रियली वांट अ मेंटोरिंग, यू वांट सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, तो व्हाई नॉट डिसाइड इट नाउ. एक तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा, इट विल बी फार मोर बेनिफिशियल देन लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन. सेकेंड, कि तुम्हारे पैसे बच जाने वाले. ओके, सो 30 सितंबर इज द लास्ट डे जब तक कि ये प्राइसेस अवेलेबल है. तो फॉर ऑल द टेस्ट सीरीज एंड फॉर ऑल सच कोर्सेज जो अभी तक का आज तक का प्राइस विच इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल माय फ्रेंड्स इज 35,000 रुपीज फॉर एन एंटायर 1 ईयर कोर्स. ओके, एक साल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स, नॉट वन सब्जेक्ट, ये पॉलिटी नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल विल बी अवेलेबल टू यू एट 35,000 रुपीज. उसमें ये कोड यूज करो SID, मेरा कोड यूज करो, थोड़े पैसे बचाओ. SID यूज करते ही यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. अदरवाइज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम है, भगवान की दया से 2 साल है, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या 2 साल के बाद एग्जाम देने के प्लान पे है, समथिंग लाइक दैट, प्लीज यूज दिस कोड SID फॉर अ 56,000 रुपीज प्राइस. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल हैव टू पे ओनली 50,400. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑसम, पावरफुल, इफेक्टिव, एफिशिएंट कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस. लेकिन ये प्राइसेस सिर्फ 30 सितंबर तक है, तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो माइट एज वेल डिसाइड नाउ. अगर आप किसी और को बताना चाह रहे हो तो टेल देम नाउ, द प्राइसेस आर गोइंग टू बी एस्केलेटेड. नाउ लेट्स लुक एट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ देयर इज एन आर्टिकल 163 व्हिच प्रोवाइड्स वेरी कैटेगोरिकली कि देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. ये शैल है, होना ही पड़ेगा. There shall be a state council of ministers to be headed by the chief minister. Now, इनका काम क्या है? इनका काम है to aid and advise the governor in the exercise of his function. Now, सुनो मेरी बात, friends. यहाँ पर एक छोटा सा problem है, okay? और वो छोटा सा problem ये है कि इसमें लिखा हुआ है that except in so far he is by और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन डिस्क्रिशन. इतना प्यारी तरह से लिखा होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि मजा आ जाता है समझने में. ओके, कितने अच्छे तरह से आपने गवर्नर साहब को अनलिमिटेड पावर्स दे दी विद रिगार्ड्स टू व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन. नाउ ध्यान से सुनो, देखो जो 40 सेकेंड है, देखो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके, यू विल हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर डिटेल. यू हैव टू बी वेरी शार्प टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, बड़े शार्प आदमी ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो डॉक्टर अंबेडकर के शार्पनेस को समझने के लिए भी उतना शार्प होना चाहिए, राइट? इसके आसपास तो शार्प होना ही पड़ता है. सी, डॉक्टर अंबेडकर वांटेड कि गवर्नर डज नॉट हैव ऑलवेज गेट बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. का हमेशा बाइंडिंग इफेक्ट ना हो गवर्नर पे. कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं स्टेट्स को कुछ हद तक यूनियन का कंट्रोल रखूं, और वो बड़े सक्सेसफुल हुए इस प्रोसेस में. कैसे सक्सेसफुल हो गए? ऐसा क्या हो गया? देखो बेटा, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया ना, तो उसमें हमने आर्टिकल 74 को हमने बाइंडिंग इफेक्ट बना दिया. हमने क्या बोल दिया कि इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने क्या बोला, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बाइंडिंग इफेक्ट होगा प्रेसिडेंट साहब पे। आपने उठा के यहां पे तो नहीं डाला ये वाली बात, यू डिड नॉट पुट इट, ओके, बट यू डिड नॉट एक्चुअली राइट इट इन दिस वर्ड, ओके। आपने यहां पे लिखा कि देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर, जिनका काम है एड एंड एडवाइस करना गवर्नर का। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जहां पे गवर्नर साहब को अपना डिस्क्रिशन अलाउ करना है, डिस्क्रिशन मतलब मेरी मर्जी, डिस्क्रिशन यूज करने की पावर है। तो सर ठीक है ना, कुछ आपकी कुछ हमारी, हाँ, तो कभी कभी हम चीफ मिनिस्टर हैं और आप गवर्नर है, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए, सर ये XYZ पावर है ना, ये डिस्क्रिशनरी वाली है कि बाइंडिंग वाली है, तो सर कोई टेंशन नहीं है, मैं जीता। मैं कौन? मैं गवर्नर। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा कि अगर देयर इज अ डिस्प्यूट, if there is a dispute between the state council of ministers headed by the chief minister and the governor साहब, कि भाई ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि बाइंडिंग वाली पावर है, the decision of the governor shall be final। तो सर कोई बात है, हम कोर्ट से पूछ लेंगे। No, not at all। Why? Because it is said that in these advices the court shall not interfere। तो बात समझ लो, अगर तुम समझदार हो तो और समझदार हो जाओ, right? In other words, गवर्नर की चलेगी। इट इज द वे द यूनियन कंट्रोल्स द स्टेट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल दो बहुत सारे एडवाइस, अब जब ऐसी मुश्किल आ जाती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोर्ट्स में ये डिस्कशन हुआ है कि जैसे बहुत सारी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होती हैं तो उसमें वर्ड यूज हुआ है व्हेन द गवर्नर इज सैटिस्फाइड। तो हमने पूछा गवर्नर साहब आप सैटिस्फाइड हो? तो गवर्नर साहब बोलते सोचता हूं। अरे सोचना नहीं है सर, दैट इज नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दैट सेटिस्फैक्शन वर्ड जब यूज होता है देन इट इज द वर्ड इज एड एंड एडवाइस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर, ओके। तब यू, इट इज नॉट योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इट इज द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग। तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है डेमोक्रेसी को, डिस्क्रिशन को और कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो उनको भी तो पावर्स है। तो बहुत जगहों पर जहां पर सिर्फ सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर बोला है कि गवर्नर की पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है सर, इट इज दैट सेटिस्फैक्शन का मतलब इज नथिंग एल्स बट द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अपॉइंटमेंट, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर, and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister। मेरी बात समझ में आई? तो चीफ मिनिस्टर साहब तो गवर्नर साहब ने अपॉइंट कर दिया ना। चीफ मिनिस्टर साहब होते कौन है? यूजुअली द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पीपल अलायंस को गवर्नर साहब बोलेंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो चीफ मिनिस्टर साहब को तो गवर्नर साहब ने अपॉइंट कर दिया। अब चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर साहब के पास जाएंगे और एडवाइस देंगे कि मेरे पास ना इतने सारे ये जो मेंबर्स है इनका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाए। यहां तक क्लियर हो गया। अब द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब क्या है? गवर्नर आपको निकाल सकता है? यस, गवर्नर साहब आपको तब भी निकाल सकते हैं जब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी है। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यू आर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो सर ये तो गड़बड़ है ना। हाँ, बट चिंता मत करो, ये तभी पॉसिबल है अगर चीफ मिनिस्टर साहब एडवाइस करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इन अ वे द चीफ मिनिस्टर इज वे एग्जैक्टली सिमिलर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और यूकॉम का फंक्शन है, ओके। सो इज इज द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी इंजॉय कर रहा है तब तक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरे के पूरे स्टेट, ध्यान से दिमाग से सोच रहा हूं मैं जो बता रहा हूं समझो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा का पूरा को नहीं समझ जाओगे, वो पूरा का पूरा नहीं डिसॉल्व कर सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल मिनिस्टर को एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर बोलने का मतलब है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी आप एक मिनिस्टर को निकाल सकते हो। तो जो चीफ मिनिस्टर का रोल ज्यादा है ना, हाँ, प्राइमस इंटर पारेस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राइमस इंटर पारेस, फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। इसका मतलब क्या कि चीफ मिनिस्टर साहब चाहे ना तो रेजिग्नेशन करके पूरा का पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। भगवान ना करे डेथ हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे या तो इसको रिप्लेस कर दो या खाली रहने दो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, In other words, the chief minister साहब is very similar to the captain of the ship, जैसे prime minister का तो यूकॉम में रोल था. सॉरी, कुछ numbers पता कर लेते. Total number of ministers including the chief minister, okay, including the chief minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of the state. ये तुमने सुना सा लग रहा होगा. ओके, ये एग्जैक्टली लोकसभा का स्ट्रक्चर है. लोकसभा में भी ऐसा ही होता है. इफ यू रिकॉल ऑन दैट पार्ट, सो लोकसभा में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था. और ये तब कब की स्टार्ट किया था, अगर तुम्हें याद है तो हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया था. इसका फायदा क्या था, अगर तुम्हें याद है तो हमने बोला था एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर. हम बैलेंस ऑफ नंबर्स बनाना चाहते. अगर बैलेंस ऑफ नंबर्स नहीं होगा तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. अब एक और जगह लिखा है दैट प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12. तो हम 12 से कम नहीं रखेंगे, बट ये ना थंब रूल नहीं है. ओके, ये रिजिड रूल नहीं है, बट कोशिश करते हैं हम. ओके, तो यूजुअली द नंबर्स आर नॉट लेस देन 12. ओके, बट 100% द नंबर्स आर नॉट मोर देन 15%. सर अगर कर दिया तो, मैंने 15% से ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या कर लोगे आप? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. उसी टाइम क्या खत्म कर दोगे आप हमारी गवर्नमेंट को? नहीं. 6 months का टाइम पीरियड दिया जाता है. ये 90% लोगों को मालूम ही नहीं. 6 months का टाइम पीरियड दिया जाता है, ओके, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस दे देते कि देखो सर, आप 91st अमेंडमेंट 2003 के अगेंस्ट जा रहे हो एंड यू आर एक्सीडिंग द नंबर ऑफ 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आप ये नंबर्स कम करो. तो 6 months इतना टाइम मिलता है इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट सो कॉल्ड अनॉर्मली ऑफ नंबर्स. अब तुम्हें पता नहीं, मुझे तुम ज्यादा ध्यान से देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, जब कर्नाटका विधानसभा में अभी अभी बड़ा मेजर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें जब कर्नाटका विधानसभा में प्रॉब्लम यह हुई थी कि कांग्रेस जेडीएस के, प्लीज ध्यान से समझो, अगर तुम इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो ऐसे में बनो. ओके, जिसने भी ये सजेस्ट किया था वो बड़ा ही शार्प आदमी था. कांग्रेस जेडीएस की सरकार कर्नाटका विधानसभा में क्यों गिर गई? क्योंकि सर्टेन रिबेल एमएलएस ने रिजाइन कर दिया. ओके, अब रिजाइन कर दिया तो ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई. तो सर रिजाइन कर दिया ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ, जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो स्पीकर साहब ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बोला कि मैं इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ यूज करूंगा. ओके, तो मेरी बात समझो सर, एंटी डिफेक्शन से क्या होता है? सर एंटी डिफेक्शन से ना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बी अ मेंबर ऑफ एमएलए, तो आप एमएलए नहीं रहोगे. तो सर क्या दुख है ना, मैं तो रिजाइन तो कर ही रहा था, फिर मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्स्ट्रा लगाने की क्या जरूरत है? मैं तो दोनों ही केस में मैं तो मर ही रहा हूं ना, मैं तो छोड़ ही रहा हूं ना, मर नहीं रहा हूं, मैं छोड़ ही रहा हूं ना, मेरी सीट तो खाली हो रही है. तो ये मेरे ऊपर, मैं रिजाइन करूं या एंटी डिफेक्शन से जाऊं, मतलब 10th शेड्यूल में जाऊं, तो दोनों केस में बात तो एक ही होनी चाहिए ना. बेटा इतना आसान है नहीं ना. अब ध्यान से पढ़ो, जब तुम रिजाइन करते हो तो तुम्हारी सीट्स खाली हो जाती है, जब तुम एंटी डिफेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो भी तुम्हारी सीट खाली हो जाती है, लेकिन एंटी डिफेक्शन से जब तुम्हारी सीट खाली होती है ना, कुछ और भी हो जाता है. क्या हो जाता है? अब मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब चाहे वो विधानसभा के या विधान परिषद के हो, ओके, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से सुनो, हु इज डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर द 10th शेड्यूल will also be disqualified to be appointed as a minister. Are you understanding? जब तुम रिजाइन करते हो तो तुमने रिजाइन किया, ऑलराइट, रिजाइन करने के बाद तुम एज एन एमएलए तुम रिजाइन हो गए, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ यू एज अ मिनिस्टर. लेकिन जब आप एंटी डिफेक्शन में आ जाते हो तो तुम्हारी सीट तो जाती है. इट ऑल्सो कॉजेज अ डिस्क्वालिफिकेशन टिल सच टाइम एज योर टर्म इज, राइट, or if you are elected at a later stage, then till the term of that election and from the time that you were disqualified, whichever is earlier. In other words, anti-defection, जो anti-defection का part है, this becomes a far more strong punishment. इसीलिए अगर तुम कर्नाटक विधानसभा को वॉच कर रहे थे इस टाइम पर जो हो रहा था, जो कांग्रेस जेडीएस और बीजेपी वाला सिनारियो, तो तुम नोटिस करो कि बड़ा मेजर ऑपोजिशन इस बात पे आता है, ना 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 ना, एंटी डिफेक्शन मत लगाओ, इसको इनको रेजिग्नेशन करने दो. एंड द स्पीकर साहब सेड, मैं तो एंटी डिफेक्शन ही लगाऊंगा. व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू एन एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन. यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ मिनिस्टर। अब तुम न्यूज ध्यान से सुनना स्टार्ट करोगे, वंस यू लर्न फ्रॉम मी, तो तुम्हें समझ में आने लग जाता है, वाह यार अच्छा ऐसे होता है। व्हाई? बिकॉज इसीलिए एंटी डिफेक्शन इज अ फार स्ट्रॉन्गर वेपन। फिर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी में है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली मेजोरिटी में है। किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव किया जाता। पूरा का पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या तो कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है या फिर कॉन्फिडेंस में नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, वी आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें याद हो रहा है तो इट इज एग्जैक्टली लाइक आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर हम ओथ और अफर्मेशन देते हैं। गवर्नर साहब हमको ओथ देंगे। गवर्नर शैल एडमिनिस्टर हिम। हिम कौन? चीफ मिनिस्टर। ओके, द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। हर मंत्री, हर मिनिस्टर ये लेता है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ 3rd शेड्यूल। ये क्वेश्चन आ जाता है, कहां लिखे ये सब ओथ? ये सब ओथ लिखे हुए 3rd शेड्यूल में। क्या है ओथ ऑफ सीक्रेसी? इसमें इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बट जनरली क्या, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलमनली फर्स्ट दैट आई विल बेयर true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Okay, true faith and allegiance है, इसलिए इसको बोलते हैं oath of allegiance. Okay, I will uphold the sovereignty and integrity of India. This is the part. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the minister. I will do right to all in all manner to all people of India in accordance with the Constitution and the law, without fear, without favor, without affection और without ill will. ये हो गया oath of allegiance. लेकिन क्योंकि मंत्री साहब, क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के बाद बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती है, तो हम उनको एक oath of secrecy भी दिलाते हैं. ओके, तो oath of secrecy also is I do swear in the name of God solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any such information which shall be any such matter which shall be brought under my consideration or shall be known to me as a minister until and unless I require it for the discharge of my duty. In other words, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है for the discharge of your duty, ये बात किसी को पता नहीं की, तो तुम्हें ये information जो तुम्हें as a मंत्री, okay, इसको गोपनीयता की शपथ बोली जाती है. Okay, in other words कि आप इसको सीक्रेट्स को अपने पास ही रखेंगे. यू विल नॉट लेट दिस बी कम्युनिकेटेड टू एनीवन जिसका इसका डायरेक्ट विद डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी का इंटरैक्शन ना जरूरत हो. नाउ एक लाइन बड़े पॉपुलर है, मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर. ये इतने जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ना, ये हमने बहुत पहले सुनी हुई है लेकिन अलग तरीके से सुनी हुई है. इसका मतलब है जब तुम चीफ मिनिस्टर बन रहे हो ना, तो तुम्हें ना एमएलए होने की जरूरत है ना एमएलसी होने की जरूरत है. इन अदर वर्ड्स, तुम्हें कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर होने की जरूरत ही नहीं. तुम्हें 6 महीना मिलेगा, यू विल हैव 6 months टू बिकम अ लेजिस्लेटर. यही एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है. और इसी को आप उल्टे लैंग्वेज में बोल दो कि अगर तुम 6 महीना तक यू आर नॉट अ लेजिस्लेटर देन द गेम इज अप. ओके, देन यू विल नॉट बी अ मिनिस्टर. तो व्हेन यू नॉट बी अ मिनिस्टर यू विल ऑटोमेटिकली नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. Now this is with regards to the chief minister. हमने ये notice कर लिया that the chief minister is the one who is the primus inter pares. He is the captain of the ship. ये deal करेंगे governor के साथ. ये बैठेंगे the best spokesperson of the political party. ये interaction करेंगे union and state के साथ. ये बहुत सारे state planning boards के head होंगे. He is the captain of the ship. Very similar to the prime minister. So the chief minister is the one who is exactly on the corresponding position जैसा prime minister है with regards to the state council of ministers and union council of ministers. So अगर आप इसका दोनों structure को देखोगे तो both of them are almost parallel to the union. से थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं that the president is an indirectly elected head, discretionary powers है relationship, consideration of the president, but उसमें कोई गलत बात में नहीं है. वो इसलिए है because हम लोग quasi federal state है. We are a quasi फेडरल स्टेट एंड देयरफॉर हमने ज्यादातर पावर्स यूनिटरी रखी हुई है और आधा यूनिटरी टिल्ट है. वो हमें बहुत कॉमनली दिख जाती है जब भी हम इस तरह की इंटरेक्शन करते हैं ताकि द यूनियन इज एबल टू कंट्रोल द स्टेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो माय फ्रेंड्स, आई होप यू रियलाइज, ये छोटा टॉपिक था बट हाँ, एक जनरल थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से तुम्हें ये आना चाहिए. आई होप टू यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे डिटेल्स और खासकर जो डिस्कशंस विद रिलेशनशिप टू करंट अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये 1-to-1 होना ईजी हो जाएगा. यूज दिस कोड SID एंड अप्लाई. ओके, you will get an immediate 10% discount, my friends. It will be a very, very beneficial program for you. I hope to see you on my Plus course. If you've enjoyed this video, please like, please share and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.